से तो परेशान करते हो और माँ का नाम ले लेके काफी खिला रहे हो, ये सब क्यों इतना परेशान? माँ ने दादी दादी माँ माँ अच्छा मा? इनकी माँ हाँ, तो जो इनका वीक पॉइंट है वो मुझे पता है, ये जैसे ये मुझे अपने दादी के नाम से ब्लैकमेल करती है वैसे ही मैंने इनका माँ का नस जो है वो पकड़ लिया है, और जब भी मौका मिलता है इसे इन्हें परेशान करने का तो मैं इन्हें इनके माँ का नाम लेकर थोड़ा थोड़ी बहुत ब्लैकमेल कर लेता हूँ, है ना? क्योंकि मैं इनको दादी का नाम लेकर, दादी की वजह से एक तो हर रोज़ ये बेचारे कहीं जा नहीं पाते, इनको मेरे साथ रहना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये भी इनको भी कभी कभी तो मौका मिलता है माँ के नाम से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने का, तो कर इसका रिवेंज विवेंज कुछ नहीं है, तो मीठी नोक झोंक है, इसमें कोई हिसाब किताब रखने की तो ज़रूरत है नहीं, कभी ये करेंगे कभी मैं करूँगी, मज़ा आएगा। वैसे ज़्यादा करके प्रज्ञा जो है बॉल हमेशा उन्हीं के कोर्ट में रहता है क्योंकि दादी जो है दादी इसी घर में रहती है, ढाल बन के खड़ी रहती है मेरे साथ, और जो इनकी माँ है वो कभी 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 आती है, जैसे इस फंक्शन में उनका आना हुआ है, तो ये मौका बहुत कम मिलता है मुझे, लेकिन इनको बहुत मौके मिलते हैं मेरी वाट लगाने की। लेकिन देखा गया आप दोनों के बीच में काफी तू तू मैं होती है, लेकिन आज थोड़े बहुत रोमांटिक हो गए। क्या देखा? पिलर के पीछे किलर हाँ सही देखा, जवाब चाहिए उसका। सवाल क्या था? सवाल ये था, सवाल ये था कि आप लोगों में काफी उसके बाद आज थोड़े बहुत रोमांटिक शराब पीने के बाद। एक्चुअली उन्होंने शराब पी नहीं है, नाटक है। मैं ढोंगी बाबा बन गया था, आई वाज ढोंगी बाबा, बाबा बंगाली। हाँ इससे पहले हमने एक सीन किया था जहाँ पर मेरा एक प्लान जो है वो बैकफायर कर जाता है, जो मैं इनको मिर्ची खानी पड़ती है, इन्हें मिर्ची खिलाने जाता हूँ, मिर्ची मैं ही खुद खा लेता हूँ, वो भी दादी की ही वजह से। तो अब जबकि मुझे मौका मिलता है क्योंकि इनकी मम्मी जी आसपास ही है विसिनिटी में, तो मैं इनको इनकी मम्मी जी के नाम से ब्लैकमेल करके इन्हें मिर्ची खिलाता हूँ। अल्कोहल जूस, वो एप्पल जूस था, लेकिन मैं इनकी पूरी बात सुनी नहीं मैंने, मैं वैसे ही निकल गई। डरा जो इतना रहे थे आप? नहीं जल्दी में थी, इफ्तारी का टाइम हो गया था। अच्छा इफ्तारी से याद आया, सारे बार अजी प्रोडक्शन जो है एक साथ इफ्तारी कर रहे, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। नहीं बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग साथ में मिलकर इफ्तारी करते हैं, और इफ्तारी का माहौल जो होता है बहुत अच्छा होता है, खास करके इस बात के लिए क्योंकि खाना इतना सारा होता है कि हम आधा टाइम तो चूज़ करते रह जाते हैं कि फ्रूट से शुरू करें या खजूर से, फिर आसपास इतने खजूर होते हैं कि फ्रूट से खाना पड़ता है। लास्ट में ईद विश कर, कौन से चैनल की तरफ से? हमारे सभी दर्शकों को एक साथ, हमारे सभी दर्शकों को ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। थैंक यू।